Hello dear children, today we are going to do the names of different relations that have come in this chapter and also certain others in today's class. Okay, kuch relations, kuch rishte, jinke naam humko janne hain in our language, in English and in our mother tongue. We'll discuss that today. So let us start. Before we start relations, in the last chapter, we discussed the languages in spoken in India. Now, this is the language map of India and I am including this in our lesson so that you can use it even as a game to play with your brothers, sisters and whosoever you have around you. See children, language ka ek yahan par side mein वो दिया हुआ है कलर कोड विच कलर रिप्रेजेंट्स विच लैंग्वेज. यू कैन आस्क योर फ्रेंड कि व्हाट लैंग्वेज इज स्पोकन इन राजस्थान एंड यू कैन देन मैच द कलर ऑफ राजस्थान टू द लैंग्वेज कलर कोड गिवन हियर. तो इट इज हिंदी. द मेजर लैंग्वेज इज हिंदी. सो गुजरात, व्हाट लैंग्वेज इज स्पोकन इन गुजरात, मैच द कलर कोड गुजराती. This way you can play a game with your friend and side by side you will learn also. You don't need to draw or paste this map. It is only for you to play and learn at the same time. Okay, I hope you must have understood. सबको समझ आया ना? इसके color से ये color code को match करके आप बता सकते हो किस जगह की कौन सी language है. तो जब भी हम खेल कर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वी अंडरस्टैंड इट बेटर. सो ओनली आई हैव इंक्लूडेड दिस एंड यू कैन यूज दिस मैप इटसेल्फ फॉर लर्निंग एंड प्लेइंग अलोंग विद योर फ्रेंड्स. ओके, सो नाउ कम टू टुडेज टॉपिक, रिलेशंस. ये एक छोटी सी फैमिली ट्री बनाकर आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द रिलेशंस टू यू. इन दिस केस द रिलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम, आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद फादर मदर. ये तो आप जानते ही हैं. ठीक है, हम मदर एंड फादर से स्टार्ट करेंगे. अब आप इन दोनों को समझ लो. मम्मी और पापा, इधर पापा के साइड में पापा के भाई बहन, अंकल आंट अंकल. ठीक है, पापा के भाई भाइयों को क्या कहते हैं? अंकल. एंड बहनों को क्या कहते हैं? आंट. ओके, मम्मी के भी भाई को कहेंगे हम अंकल एंड बहनों को कहेंगे आंट. अभी हम इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं. इन द नेक्स्ट स्लाइड विल डू अप इन हिंदी ऑल्सो. ओके, तो अभी आप इतना समझ लो. मम्मी के जो पापा मम्मी होते हैं, जो मदर के ऊपर हैं, उनको भी मम्मी के पापा को कहते हैं ग्रैंडफादर. मम्मी की मम्मी को कहते हैं ग्रैंड मदर, हिंदी में नाना नानी. पापा के पापा को क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर. एंड फादर्स मदर इज ग्रैंड मदर. Now you, after your father and mother come you. मम्मी और पापा के बाद कौन आ जाता है? हम आ जाते हैं. हम अब अपनी बात करेंगे. So this is you, me, if you are a boy, me brother and me sister. Did you get it? Me brother and sister. So ये आप दोनों हैं, आप और आपके भाई बहन. भाई बहनों को कहते हैं सिबलिंग. व्हाट डू वी कॉल? सिबलिंग. सो इफ समबडी आस्क्स यू अबाउट योर सिबलिंग, इट मींस ही इज आस्किंग अबाउट योर ब्रदर और सिस्टर. ओके, एंड दिस साइड अंकल आंट, जो भी हमारे मामा हैं, चाचा नाना, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ, इन सब के जो बच्चे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कज़न. व्हाट आर दे? आर कज़न्स. ओके, तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद दीज टर्म्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. और एक ऊपर हमने मिस कर दिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर. इनके मम्मी पापा को हम कहते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, पेरेंट्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारे दादा दादी के पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ग्रेट हो गए ना, ऐसे आप समझ सकते हो. तो इट दे आर कॉल्ड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. सो
यू मस्ट बी नोइंग नाउ ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, दादा दादी के मम्मी पापा. देन कम्स आर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर. देन कम्स आर फादर, मदर, अंकल्स एंड आंट्स. देन कम्स यू, योर ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स एंड योर कजन्स. ओके, एंड हियर वन थिंग आई वुड लाइक टू से, कज़न चाहे भाई हो या बहन हो, उसको सिर्फ कज़न कहते हैं. वी शुड नॉट कॉल कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, दैट इज़ रॉन्ग. कज़न मीन्स इट इज़ कॉमन टर्म फॉर बोथ ब्रदर एंड सिस्टर. सो दीज आर सम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स. यू मस्ट बी एबल टू कॉल दीज फैमिली मेम्बर्स इन योर लैंग्वेज, योर मदर टंग एंड इन हिंदी ऑल्सो. ओके, लाइक मदर इज माँ, मॉम सेम माँ, फादर पिताजी, मदर इन लॉ सास, फादर इन लॉ ससुर, पार्टनर मीन्स साथी. ओके, डैड पिताजी अगेन. ये अलग अलग, दीज आर डिफरेंट टर्म्स दैट आई यूज. ओके, डेली लाइफ में हम बहुत तरह के टर्म्स यूज़ करते हैं, तो कुछ बेसिक टर्म्स तो आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हो, पर अब हम और भी जितने टर्म्स होते हैं, वी शुड बी एबल टू कॉल देम इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो. सो वी आर इंक्लूडिंग ऑल सच टर्म्स. पेरेंट मीन्स माता पिता, जिसको जनक भी कहा जाता है, who give birth to their children. Children बच्चे, अंकल चाचा मामा ताऊ, ये सब अंकल होते हैं. नीज मतलब भाई या बहन के बेटी, भतीजी या भांजी, नेफ्यू भतीजा या भांजा. ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मींस बेटे का बेटा, जिसको पोता कहते हैं. ग्रैंड डॉटर बेटे की बेटी. ओके, ग्रैंड चाइल्ड कॉमन है, ग्रैंड डॉटर को कहते हैं पोती. ग्रैंड चाइल्ड कॉमन है, पोता पोती दोनों को एक कॉमन टर्म है ग्रैंड चाइल्ड. सिस्टर इन लॉ भाभी या ननद, ब्रदर इन लॉ जीजा, स्टेप मदर, स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ. ठीक है, जो आपकी अपनी माँ ने दूसरी मदर जो होती है, दैट इज कॉल्ड स्टेप मदर. स्टेप फादर सौतेले पिता. आंट मौसी चाची, ये सब क्या होती हैं, हमारी आंट. कज़न मैंने बताया, भाई या बहन के, नो आई एम सॉरी, अंकल्स चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑफ आ अंकल और आंट आर कज़न्स. हस्बैंड पति, वाइफ पत्नी, एक्स मतलब पूर्व, कोई भी पूरा पुराना रिलेशन होगा, पूर्व पति या पूर्व पत्नी. सन बेटा, डॉटर बेटी, सिस्टर बहन, ब्रदर भाई, ग्रैंडमदर दादी या नानी, ग्रैंडफादर दादा या नाना. ग्रैंडपेरेंट कॉमन टर्म है ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के लिए. ओके, सो नाउ यू मस्ट बी एबल टू राइट. स्टिल आई हैव गिवन इट टू यू इन रिटन ऑल्सो, यू कैन राइट देम डाउन इन द कॉपी एंड लर्न देम फ्रॉम द वर्कशीट दैट आई हैव गिवन. ओके, यहाँ आंसर्स नहीं है, दूसरे वर्कशीट में आंसर्स भी दिए हैं, आप लर्न कर सकते हो. यू हैव टू लर्न. ओके, नाउ इन द चैप्टर वी केम अक्रॉस टू वर्ड्स, अम्मम्मा एंड वलियम्मा. दीज आर टर्म्स ऑफ मलयालम लैंग्वेज. अम्मम्मा मीन्स दादी माँ, आप ऐसे भी समझ सकते हो, अम्मा माँ होती है, माँ की माँ या पापा की माँ, दैट इज दादी माँ. वलियम्मा मदर्स एल्डर सिस्टर, मम्मी की जो बड़ी बहन होती है, बड़ी मौसी. ओके, सो दिस इज द वर्कशीट दैट आई हैव गिवन. इन दिस हिंदी इज नॉट, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द वे इट हैज कम हियर, बट इन द वर्कशीट इट्स क्लियर. सो दीज आर द सेम रिलेशंस दैट वी स्टडीड, मदर फादर, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, पेरेंट चिल्ड्रन,
uncle, aunt, nephew, niece, grandson, granddaughter, and so on. 21 relations are there. You will write their name in Hindi and in your mother tongue in your copy, and also learn. So children, with this lesson is over. In the next session, I'll take a short test in this chapter in Google Forms only, and then we will start our next chapter. Thank you children, and do learn your work. Keep learning and revising every day. Okay, have a nice day.